Good morning, student. This is our next class of inner ear physiology. In our previous class, we studied about the cochlear hair cells physiology. Actually, हमने उस class के अंदर पढ़ा था कि cochlear hair cells दो तरह के होते हैं, inner hair cells और outer hair cells, और दोनों की अलग अलग physiology होती है, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से अपना role play कर रहे होते हैं. Inner hair cell तो साउंड को जो है वो ब्रेन तक भेज रहा होता है, उसके सिग्नल को एक्चुअली ब्रेन तक भेज रहा है, जबकि आउटर हेयर सेल्स जो है वो इलेक्ट्रोमोटिलिटी का फंक्शन कर रहा था, इनर हेयर सेल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बना रहा था और साउंड के पिचेस को डिस्क्रिमिनेट करने का काम कर रहा था. पर एक्चुअली ये जो इनर और आउटर हेयर सेल्स होते हैं, ये अकेले फंक्शन नहीं करते, बल्कि कुछ और अदर वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके साथ में मिल करके ये वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स कोकलिया के अंदर ही पाए जा रहे होते हैं, उनके साथ में मिल करके ये साउंड परसेप्शन या हियरिंग परसेप्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं. अब इनमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, तो बेसिलर मेम्ब्रेन आता है, एंडोलिम्फ आता है. बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, एक्चुअली आपको पता है कि जो हेयर सेल्स है, इनर आउटर हेयर सेल्स, इनके नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जा रही होती है, लेयर की फॉर्म के अंदर पाई जा रही होती है, जो कि अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगी तब जब कोई साउंड आउटर ईयर से होता हुआ आपके मिडल ईयर में आएगा, मिडल ईयर के ऑसिकल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, और वो वाइब्रेशंस जो है ऑसिकल्स में स्टेपिस लास्ट में जब वाइब्रेशन होता है, तो स्टेपिस जो है इन एंड आउट मूवमेंट कर रही होती है, उस इन एंड आउट मूवमेंट से बेसिलर के ऊपर जब वो अपना स्ट्राइक कर रही होती है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, और बेसिलर मेम्ब्रेन अप एंड डाउन मूवमेंट करती है. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, बेसिलर मूवमेंट कैसे कर रही है वो मेम्ब्रेन. तो अब इस क्लास में हम बेसिलर मेम्ब्रेन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ऑडिटरी ऑसिकल्स के जो वाइब्रेशंस हैं, जैसा हमने पहले पढ़ लिया था इसके बारे में, वो आगे लीड करते हुए बेसिलर मेम्ब्रेन में भी वाइब्रेशंस करवा देते हैं. वो बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हेयर सेल्स हैं, इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स, उन बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस करवाते हैं, और पूरी एक सीक्वेंस उस चेन रिएक्शंस के फॉर्म में, वो पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है, पूरी चेन चल रही होती है रिएक्शंस की, कि भाई आउटर ईयर से साउंड आया, उसने मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स को हिलाया, स्टेपिस इन एंड आउट हिलना स्टार्ट हुई, फिर उसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन को उसने हिलाना स्टार्ट किया, बेसिलर मेम्ब्रेन अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करेंगी, और इस तरह से जो है वो साउंड का परसेप्शन आपको पता चलेगा. तो ये जब ऑडिटरी ऑसिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो मैंने जो लाइन बताई वो नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि ऑडिटरी ऑसिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं, तो इसका जो स्टेपिस है वो वाइब्रेट तेजी से करने लगता है, अंदर बाहर, जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करती है, पर वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही होती है, और उसके साथ में सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली वो थर्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे को इस अदर कॉम्पोनेंट में पढ़नी है. पहली स्ट्रक्चर है बेसिलर मेम्ब्रेन, दूसरी है एंडोलिम्फ, तीसरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, और वो भी इन एंड आउट, आउट एंड इन, इस तरह से वाइब्रेशन कर रही होती है. तो जब साउंड आया आउटर ईयर से, तो वो मिडल ईयर के ऑडिटरी ऑसिकल्स में गया, ऑडिटरी ऑसिकल्स को उसने वाइब्रेट किया, जिसकी वजह से स्टेपिस तेजी से वाइब्रेट होने स्टार्ट हुआ इन एंड आउट. उस स्टेपिस की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, डाउन एंड अप वाइब्रेशन, और फिर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ आउट एंड इन. और ये जो वाइब्रेशन है वो 20,000 टाइम्स पर सेकेंड की रेट से चल रहे होते हैं. एक सेकेंड में 20,000 गुना ये वाइब्रेशन आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स में, बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर और सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर चल रहे होते हैं. सेकेंड पार्ट था एंडोलिम्फ. अब देखिए एंडोलिम्फ एक्चुअली कैसे वर्क कर रहे होते हैं. तो कैसे वर्क कर रहे हैं, उससे पहले आप ये देखिए कि एंडोलिम्फ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पाई जा रही होती है. इस पोटेशियम आयन का बहुत बड़ा रोल है हियरिंग के अंदर, कि पोटेशियम आयन रोल प्ले करता है कैसे, कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बढ़ा देता है हेयर सेल में, टिप से लेकर बेस तक हेयर सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ये पोटेशियम आयंस बढ़ा देता है. अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इनर हेयर सेल्स को जब फंक्शन अच्छे से अगर करना है, तो इनर हेयर सेल्स के टिप्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया पाया जाता है. एक्चुअली स्टीरियोसीलिया
इनर आउटर दोनों हेयर सेल्स में पाए जा रहे होते हैं, पर अभी हम इनर हेयर सेल से स्टार्ट करें फिर आउटर को भी देखेंगे। तो इनर हेयर सेल्स अच्छे से फंक्शन करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसकी टिप के ऊपर स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं वो एंडोलिम्फ में नहा लें, मतलब एंडोलिम्फ उनके ऊपर आकर गिर जाए। और एंडोलिम्फ मैंने आपको कहा कि उसके अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पोटेशियम आयन इसका मतलब उनके ऊपर गिरेंगे स्टीरियोसीलिया के ऊपर, क्योंकि एंडोलिम्फ जैसे ही गिरेगा ये पोटेशियम आयन्स गिरेंगे और ये पोटेशियम आयन वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जनरेट कर देंगे जिससे कि एनर्जी मिलेगी और हेयर सेल अपने फंक्शन को अच्छे से कर पाएगा। तो इनका जो इंटरेक्शन है स्टीरियोसीलिया और एंडोलिम्फ का, यही हम आगे वाले स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में दिया हुआ है कि अगर इनर हेयर सेल को अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करवाना है तो जो स्टीरियोसीलिया है उसके टिप्स पर वो स्टीरियोसीलिया बहुत ज़रूरी है कि वो एंडोलिम्फ में अच्छे से नहा लें। और एंडोलिम्फ में क्यों नहा लें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो जैसे पोटेशियम आयन उन स्टीरियोसीलिया पे गिरेगा तो वो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब वो वोल्टेज का बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि अभी हमने वोल्टेज पढ़ा ना, ये वोल्टेज सेल मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है उसका असर पड़ता है। जैसे ही पॉजिटिव होता है ब्रेन तक साउंड के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे होते हैं, मैसेज भेजते हैं ब्रेन तक को, और जैसे वो नेगेटिव हो जाएगा तो मैसेज भेजना बंद कर देंगे। तो ये वोल्टेज का जो लार्ज डिफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करता है हेयर सेल के टिप से लेकर बेस तक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हेयर सेल अपना अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वहाँ एनर्जी को देगा, हेयर सेल एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। बस ये एंडोलिम्फ का रोल है। अब स्टीरियोसीलिया और एंडोलिम्फ का आपस में क्या कनेक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमने कहा भाई स्टीरियोसीलिया का रोल, और स्टीरियोसीलिया आउटर इनर दोनों हेयर सेल्स पे पाया जाता है, पर जो आउटर हेयर सेल्स पर स्टीरियोसीलिया होते हैं उनकी टिप्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धंसी हुई रहती है, जबकि इनर हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया जो है वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा पास में होती है। क्या बोला हमने कि आउटर हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया हैं उनकी टिप्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धंसी हुई रहती हैं, जबकि इनर हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया जो हैं वो इनर हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया है वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। अब ये धंसी होती है और पास में होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली फ़र्क क्या पड़ता है। अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि ये क्या कर रही है, स्टीरियोसीलिया इसके अंदर घुसे पड़े हैं आउटर हेयर सेल्स के, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर से बंधी हुई है, एंकर्ड रहती है एक स्ट्रक्चर में फंसी हुई रहती है जिसको अपन मोड्यूलस कहते हैं। ये मोड्यूलस इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को होल्ड किए रहती है और लगभग इसको स्थिर बनाए रहती है तब जब बेसिलर मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन मैंने कहा जैसे ही मैसेज आएगा या जैसे ही ऑडिटरी ऑसिकल्स हिलना स्टार्ट करेंगे, स्टेपिस इन एंड आउट तेजी से हिलना स्टार्ट कर देगी, वो बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, बेसिलर मेम्ब्रेन अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और बेसिलर मेम्ब्रेन मूवमेंट करेंगे तो हेयर सेल्स करेंगे, क्योंकि हेयर सेल्स बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होगी तो उसके ऊपर के हेयर सेल्स भी तो वाइब्रेट करेंगे ना, तो हेयर सेल जब वाइब्रेट कर रहे हों तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसके लिए उसको होल्ड करने के लिए वहाँ पर मोड्यूलस पाया जाता है। अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन है वो हेयर सेल्स की शेयरिंग कर रहा है, जो मैंने आपको कहा जिससे कांपने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में, जिससे कि हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया है वो बैक एंड फोर्थ बेंड करना स्टार्ट करते हैं, आगे पीछे मुड़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो आगे पीछे मुड़ रहे होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है साउंड के अंदर, जो अपन अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसमें इतना याद करिए कि आउटर हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं, जबकि इनर हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया उस मेम्ब्रेन के पास में होते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को होल्ड करने के लिए मोड्यूलस पाया जाता है, मोड्यूलस उसको
स्टिल बनाए रखता है तब जब बेसल मेम्ब्रेन और हेयर सेल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और बेसल मेम्ब्रेन जब वाइब्रेशन होता है तो उसे हेयर सेल में शेयरिंग होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में, जिससे कि हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया आगे और पीछे मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टीरियोसीलिया देखिए भाई, एक प्रोटीन होता है जो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल के रूप में फंक्शन कर रहा होता है हर एक स्टीरियोसीलिया के टॉप पर। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि स्टीरियोसीलिया अब कैसे वर्क कर रहे हैं। तो स्टीरियोसीलिया के ऊपर देखो, एक तो स्टीरियोसीलिया से जुड़े हुए दो प्रोटीन्स होते हैं, एक तो ये याद कर लीजिए, दोनों प्रोटीन्स का अलग अलग रोल होता है। पहला प्रोटीन जो है वो तो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल बना रहा है स्टीरियोसीलिया के ऊपर, पहला प्रोटीन। तो कौन से स्टीरियोसीलिया? जो आपके इनर हेयर सेल्स पे पाए जाते हैं। इनर हेयर सेल्स पे पाए जाने वाले स्टीरियोसीलिया के टॉप पर मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल को बनाता है एक प्रोटीन। इसी के साथ में एक दूसरा पतला स्ट्रेची जिसको आप खींच सकते हो, यानी स्प्रिंग के जैसा होता है ये प्रोटीन। तो स्ट्रेची प्रोटीन फिलामेंट होता है जो कि इसके एज अ टिप लिंक वर्क कर रहा होता है। टिप लिंक क्यों? क्योंकि ये दो स्टीरियोसीलिया के एंड को जोड़ने का काम करता है। एक स्टीरियोसीलिया, उसके पास वाले स्टीरियोसीलिया से एक स्प्रिंग जैसे पतले प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, ताकि एक स्टीरियोसीलिया हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा, क्योंकि स्प्रिंग लगी पड़ी है ना, तो एक खींचेगा दूसरा भी खींचेगा, इस तरह से वर्क कर सके। इसलिए एक दूसरा प्रोटीन पाया जाता है जो फाइन स्ट्रेची प्रोटीन फिलामेंट है, जो कि टिप पर पाया जाता है स्टीरियोसीलिया के, एक्सटेंड होता है ये स्प्रिंग की तरह एक स्टीरियोसीलियम के आयन चैनल से दूसरे स्टीरियोसीलियम की साइड पर ये जुड़ा हुआ रहता है। और हर एक इनर हेयर सेल जो है उसका स्टीरियोसीलिया प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाइट के फॉर्म में अरेंज रहता है। मतलब सबसे आगे जो होगा वो सबसे छोटा, और फिर उसकी बढ़ती हुई क्रम में, जैसे कि आप स्कूल में जब प्रेयर के लिए लाइन बना के खड़े होते थे तो आपको टीचर्स हाइट वाइज अरेंज करते थे कि आप हाइट वाइज खड़े हो जाए, सबसे छोटा सबसे आगे आएगा, सबसे बड़ा सबसे पीछे जाएगा, क्योंकि लंबा जो है वो तो पीछे से भी दिखाई दे जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही स्टीरियोसीलिया बेचारे अरेंज रहते हैं हर एक इनर हेयर सेल के ऊपर। स्टीरियोसीलिया प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन हाइट, लगातार उनकी हाइट बढ़ती हुई, कम से बढ़ती हुई की तरफ ये अरेंज है, ताकि सबसे सो दैट ऑल बट द टॉलेस्ट वंस हैव टिप लिंक्स लीडिंग टू टॉलर स्टीरियोसीलिया बिसाइड दैम, ताकि वो लिंक अच्छे से बैठ सके, एक स्टीरियोसीलिया दूसरे से जुड़ा हुआ रह सके, और जैसे ये बेंडिंग मूवमेंट करें तो सारे के सारे बेंडिंग मूवमेंट कर सकें, क्योंकि बेंडिंग का जो मूवमेंट है वो उस पोटेशियम आयन्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जो अभी अपन ने एंडोलिम्फ के अंदर पढ़ा था कि एंडोलिम्फ के अंदर हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन्स पाए जा रहे होते हैं, और ये पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हियरिंग परसेप्शन के लिए। अब वो कैसे होते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। जो सबसे टॉलर स्टीरियोसीलियम था ना, वो जैसे ही बेंड होगा शॉर्टर से दूर, जिस साइड शॉर्टर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम अ शॉर्टर वन। तो जैसे ये बेंड हो गया, इट पुल्स ऑन द टिप लिंक, तो टिप लिंक पर ये पुल होगा, जिससे कि आयन चैनल जो है वो शॉर्ट स्टीरियोसीलियम का आयन चैनल खुल जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो है वो खुल गए, स्टीरियोसीलियम एक्चुअली खुल गए, उनका जो आयन चैनल है खुल गया, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा जैसे ही खुला तो वो पीछे वाले सब उसके साथ स्प्रिंग से जुड़े पड़े। एक जैसे बेंड हुआ तो बाकी सारे के सारे जो आयन चैनल्स है वो खुल गए, तो एंडोलिम्फ जो है वो स्टीरियोसीलिया के ऊपर गिरा देता है हाई कंसंट्रेशन के पोटेशियम आयन्स को, वो गिरा देगा यानी इनको नहला देगा स्टीरियोसीलिया को। कब? ताकि जैसे ही जब वो आयन चैनल्स खुला था, सो दैट व्हेन द चैनल इज पुल्ड ओपन देयर इज अ रैपिड फ्लो ऑफ पोटेशियम इनटू ईच हेयर सेल। तो जैसे ये खुला, पोटेशियम आयन उसके ऊपर गिरे, उनको नहलाया, और रैपिडली वो पोटेशियम आयन जो है वो हर एक हेयर सेल के ऊपर चले गए, जिससे कि हेयर सेल का जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाता है जब चैनल ओपन होता है। आयन चैनल जैसे ही ओपन होता है तो उसका वोल्टेज पॉजिटिव, क्योंकि भाई पोटेशियम आयन के प्लस आयन है ना, ये कैटायन है, तो जैसे ही ये गिरेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही आप जानते हो कि ज़्यादा अमाउंट में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होते ही नर्व फाइबर की फायरिंग भी तेज हो जाएगी, ब्रेन तक मैसेज जाएगा। इस तरह से इसने वर्क किया। कैसे वर्क किया? कि जो स्टीरियोसीलिया है, कहाँ पर है ये? इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स के टिप पर है।
और ये कैसे अरेंज है, ये हाइट वाइज अरेंज है, सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे लंबा सबसे पीछे है। जैसे ही सबसे लंबा बेंड होगा तो पोटेशियम आयन्स जो हैं वो एंडोलिम्फ से, क्योंकि जैसे ही बेंड होगा तो ये सारे सारे स्टीरियोसीलिया के जो टिप्स हैं उनके ऊपर का जो आयन चैनल्स है, क्योंकि हमने कहा दो प्रोटीन्स होते हैं, वो एक प्रोटीन जो है वो आयन चैनल को बना रहा है, तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो, या वो जो आयन चैनल है वो खुल जाएगा। जैसे वो आयन चैनल खुल जाएगा, एंडोलिम्फ जो कि पोटेशियम आयन से भरा पड़ा है, वो एंडोलिम्फ इन स्टीरियोसीलिया के ऊपर आकर के गिरेगा, इन स्टीरियोसीलिया को नहला देगा या हर एक हेयर सेल को नहला देगा। किससे नहलाएगा? पोटेशियम आयन से, जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये तेजी से पोटेशियम आयन गिरेंगे और हेयर सेल का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? पॉजिटिव बन जाएगा और चैनल जो है वो खुल जाएगा, ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होते ही आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा नर्व फाइबर के थ्रू। तो ये तो है पोटेशियम आयन्स का मैकेनिज्म। अब हमने कहा कि जब स्टीरियोसीलियम एक साइड मूव हुआ था तो सारे आयन चैनल्स खुले थे, अब अगर जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा तो सारे चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। जो चैनल्स पहले खुले थे वो चैनल्स सब क्लोज हो जाएंगे और सेल का वोल्टेज वापस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन सब उनके ऊपर नहीं गिर रहे, नहीं गिरे यानी हट गए, हटते वो नेगेटिव चैनल। तो जब सेल का वोल्टेज पॉजिटिव था तो इनर हेयर सेल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, जो कि स्टिम्युलेट करता है सेंसरी नर्व्स को हेयर सेल के बेस पर, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कोक्लिया नर्व के अंदर। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही आपकी कोक्लिया नर्व ब्रेन को मैसेज भेजेगी और आपको साउंड का परसेप्शन पता चलेगा। तो ये है अदर कॉम्पोनेंट्स आपके ईयर के, जो आपके हियरिंग के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म, जिसके अंदर हमने अदर कॉम्पोनेंट्स में कौन कौन से पढ़े, बेसिलर मेम्ब्रेन पढ़ा, एंडोलिम्फ पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, पेक्टोरियल मेम्ब्रेन पढ़ा और स्टीरियोसीलिया पढ़ा। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी और ये चारों जो चीज़ें हैं इसको अपन कोक्लिया के अदर कॉम्पोनेंट्स कहते हैं, कि मेन कॉम्पोनेंट्स तो इनर और आउटर हेयर सेल्स हैं। ये इनर आउटर हेयर सेल्स अकेले रोल नहीं करते जब तक अदर कॉम्पोनेंट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अदर कॉम्पोनेंट्स ही तो इसको चार्ज कर रहे हैं। इनर हेयर सेल्स चार्ज होती हैं तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आपको हियरिंग सुनाई दे रही होती है। और इसके अंदर अदर कॉम्पोनेंट्स जैसे बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करती है, मूवमेंट स्टार्ट करती है जब ऑडिटरी मसल का वाइब्रेशन होगा, ऑडिटरी ऑसिकल्स के वाइब्रेशन होते ही आपके अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन मूवमेंट स्टार्ट करेगी अप एंड डाउन। वो जैसे ऊपर नीचे होगी उसके ऊपर जो अरेंज्ड हेयर सेल्स हैं, इनर और आउटर हेयर सेल्स, वो ऊपर नीचे वाइब्रेशन स्टार्टिंग कर देंगे या शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। वो शेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो उनके ऊपर स्टीरियोसीलिया पाए जा रहे होते हो, स्टीरियोसीलिया भी हिलना स्टार्ट करेंगे। प्लस वहाँ एंडोलिम्फ का रोल होता है, एंडोलिम्फ के अंदर बहुत सारे पोटेशियम आयन्स पाए जाते हैं। ये पोटेशियम आयन्स क्या करते हैं, स्टीरियोसीलिया को नहलाने का। स्टीरियोसीलिया पोटेशियम आयन्स से नहाएंगे तो बेचारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो उससे क्या होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव होते ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते नर्व फाइबर जो हैं वो आपके तेज़ी से फायरिंग स्टार्ट करेंगे और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे। और इसमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का रोल था। क्यों रोल था? क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से स्टीरियोसीलिया जुड़े हुए रहते हैं, एक्चुअली आउटर स्टीरियोसीलिया जो धंसे हुए रहते हैं और इनर ईयर हेयर सेल्स जो हैं वो उसके पास में रहते हैं। एक्चुअली आउटर हेयर सेल्स उसमें धंसे हुए और इनर हेयर सेल्स उसके पास में रह रहे होते हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को होल्ड किए रखता है मोडियोलस, जो उसको हिलने से बचाता है तब जब आपके हेयर सेल्स शियरिंग कर रहे होते हैं उस समय पर। तो ये इनर ईयर की फिजियोलॉजी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, या आप ये कहिए आपके ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब ये साउंड कैसे ट्रैवल करता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेसिंग है, वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेल के थ्रू मुझसे अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।